विधायक राजेश त्रिपाठी ने किया 1 करोड़ से ऊपर की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास। बढ़लगंज के बस स्टैंड पर हुआ वाटर एटीएम का उद्घाटन। सबका साथ सबका विकास विश्वास की भावना को मूर्त रूप देते हुए एवं पहली बार भाजपा की सीट बनने के बाद का आज चिल्लूपार के विधायक राजेश त्रिपाठी ने अपनी निधि की पहली किस्त से लगभग 1 करोड़ से ऊपर की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया, जिसमें 4 परियोजनाओं का शिलान्यास तथा 3 कार्ययोजनाओं का लोकार्पण किया गया। विधायक राजेश त्रिपाठी ने आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यहां की जनता ने जिस प्रकार मुझ पर विश्वास किया है उस विश्वास को ध्यान में रखते हुए रखा हुआ हूं और क्षेत्र का हर संभव विकास मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि बढ़लगंज के बस स्टैंड पर लगे इस वाटर एटीएम का लाभ स्थानीय क्षेत्र वासियों सहित कई जिले भी लेंगे। राहगीरों को गर्मी के भीषण समय में ठंडे पानी की समस्या से राहत मिलेगी। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख राम आशीष राय, डब्लू सोनकर, वेद प्रकाश त्रिपाठी, महेश उमर, सुनील सिंह, कमलेश पटेल, प्रशांत शाही सहित तमाम कार्यकर्ता व क्षेत्र के भारी जनमानस भी उपस्थित रहा। एटीएम से पैसे निकलते थे लेकिन अब पानी भी निकलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं केपीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं विपिन त्रिपाठी। विधायक राजेश त्रिपाठी जी के द्वारा आज लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम किया गया, यह जानते हैं किन किन परियोजनाओं का क्या लोकार्पण शिलान्यास किया गया? सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, विपक्ष आपके ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है कि चुनाव नगर निकाय चुनाव के ठीक पहले नगर पंचायत के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास का, ऐसा क्यों? तो इसको धन्यवाद देना चाहिए उन लोगों को, जहां जैसे विपक्ष, असल में विपक्ष जो है वो हताश है, कुंठित है, उसके पास विचार शक्ति तक में वो शून्य हो चुका है। जिस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए उसके लिए आरोप लगा रहे हैं। अगर नगर पंचायत की जनता को कोई अच्छी सड़क दी गई है, जल निकासी जहां बज बजाती नालियों को अगर पक्की नाली बनाया जा रहा है तो उसको तो धन्यवाद देना चाहिए। ये लोग नगर के हितैषी हैं जो लोग कह रहे हैं या नगर के दुश्मन हैं? अच्छे काम में भी विरोध। अगर मैं गलत करता, अगर मैं लोकार्पण नहीं करता तब कहते कि बताइए नहीं कर रहे हैं। इसमें तो अच्छा है, तो बधाई देना चाहिए उनको। हो सकता है कि आपसे कहे हों, मन में बधाई दे रहे होंगे वो लोग। चिल्लू पार की बहुत सी सड़कें जो बदहाल हो चुकी हैं, गोला से बढ़गन तक की अगर केवल बात कर दूं तो इस कदर टूट चुकी हैं कि चलना दुभर हो चुका है। लोग कह रहे हैं कि 6 महीने विधायक जी को हो गया है। सवाल वही आ रहा है कि विकास कार्य की बात की जा रही है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकास कहाँ हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। देखिए, गोला से बढ़लगंज जब आप कह रहे हैं तो गोला से बढ़लगंज की सड़क खराब पूरी नहीं है। वो जो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जो है टुकड़े में, थोड़ा सा बदरिया से लेकर के गोला के बीच में बजों के आसपास, और इधर हमारा जो है महुआ पार से इधर लेकर के, ये टुकड़े में हमारी 4 किलोमीटर खराब है सड़क, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन यह सड़क चूँकि हिस्सा हो चुकी है जनकपुर से अयोध्या मार्ग का, और इस पर 1000 करोड़ रुपए इस पर पैसा आ चुका है, टेंडर हो चुका है 4 चरणों में, उसी में वो सड़क बनने जा रही है। अभी टेंडर हुआ है जो है वो 1 करोड़ रुपए में पेड़ों के कटाई का, जिसका वो होने जा रहा है। फिर जो पोल वगैरह हमारे हट रहे हैं, जो लोग अतिक्रमण किए हुए थे उनको नोटिस भी जारी की गई है। तो एक प्रोसेस है, वो हो रहा है। वो सड़क आने वाले वक्त की शानदार सड़क बनने जा रही है। हमारे आराध्य प्रभु राम और माँ जानकी से जुड़ी वो सड़क है, वो खराब तो हो ही नहीं सकती, और वो बिल्कुल होने जा रही है। हाँ, जब तक नहीं बन रही है तब तक बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो पीड़ा में हैं। अभी हम लोग उसको पैचिंग वगैरह के चलने लायक बनाएंगे, और फिर जैसे ही वो सड़क एक शानदार सड़क बनेगी, ऐसी सड़क वो बनने जा रही है कि गाड़ी में बैठिए और गिलास मोटरसाइकिल में बैठिए, गिलास में पानी रखिए और पीते हुए निकल जाइए। लेकिन अब वो निर्माण की प्रक्रिया में है तो स्वाभाविक रूप से थोड़ी दिक्कत तो है। पर एक आखिरी सवाल, 3 नगर पंचायत आपके क्षेत्र में आ रहे हैं, टिकट का कार्य संगठनात्मक स्तर से होगा, लेकिन सारे प्रत्याशियों को उम्मीद विधायक जी से? ये उनका स्नेह है मेरे ऊपर कि वो ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन विधायक जी का टिकट भी विधायक जी, किसी सांसद विधायक ने तय नहीं किया था, संगठन ने किया था। भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, और दलों में जैसे सपा है बसपा है उसमें व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है। एक व्यक्ति की परिक्रमा करो और टिकट लेकर के जाओ, खुश हो जाओ। भारतीय जनता पार्टी संगठन है और यहाँ संगठन सर्वोपरि होता है। जैसे हम लोग कार्यकर्ता हैं, अभी हम लोग यहाँ पे, हम जैसे मुख्य अतिथि है तो मैं हूँ, अभी मेरे जिले का अध्यक्ष आएंगे तो मैं कार्यकर्ता हो जाऊँगा, ऐसे ही अभी प्रदेश अध्यक्ष आएंगे तो वो कार्यकर्ता हो जाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे तो हम सब कार्यकर्ता हो जाएंगे। ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, संगठन ही सारे निर्णय लेता है,
तो बाकी मैं लोगों का मित्र हूँ, लोग सिफारिश करने के लिए अगर अपने किसी प्रिय के पास आ रहे हैं तो इसमें बुराई कहाँ है। लेकिन निर्णय तो संगठन को लेना है, मांगते सब लोग हैं, मगर जब निर्णय आ जाता है तो फिर हम सब लग करके हमारा नेता कमल का फूल हो जाता है और फिर हम लोग उसके लिए काम करते हैं। आपने इतिहास बनाया है, लोग कह रहे हैं सारी चीज़ों के, लेकिन सही है कि आपने एक लंबे एक बाद में काफ़ी लड़ाई लड़ने के बाद में इतिहास बनाया कि कमल खिलाया। क्या लगता है तीनों नगर पंचायतों में इस बार भी कमल खिले? बिल्कुल, देखिए जनता कमल खिलाने के लिए केवल नहीं है, लोग अब जागरूक हो चुके हैं, लोगों को पता है कि विकास या तो मोदी करेंगे या योगी करेंगे या दोनों करेंगे, कोई और करेगा नहीं। तो लोगों को पता है कि अगर कोई आ गया, जैसे इसके पहले 20 साल से हम लोग यहाँ नहीं रहे हैं, मोदी योगी 14 से मोदी जी हैं, 17 से योगी जी हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे उस नेतृत्व से जुड़ा हुआ संगठन यहाँ पे कार्यरत नहीं रहा, उसका दुष्परिणाम भी लोगों ने देखा है। तो वह बिल्कुल नगर की जनता, चाहे गोला की हो, चाहे बड़हलगंज की हो, चाहे उरुआ की हो, उरुआ पहली बार हुआ है तो उरुआ की जनता बेताब है कि हमारे नेता ने पहली बार उन्हें नगर पंचायत दिया है तो वो कमल खिलाने के लिए, उनको गिफ्ट वापस रिटर्न गिफ्ट देने के लिए तैयार हैं। बड़हल के गोला की जो जनता है, निश्चित रूप से पिछली बार भी रहा, विकास कार्य भी खूब हुआ है, तो विकास कार्य का जो स्वाद चखा है गोला की जनता ने, निश्चित रूप से उसी स्वाद को बरकरार रखने के लिए वहाँ मन बना बैठे हैं। और जो स्वाद बिगड़ गया है दो बार से बड़हलगंज नगर का पंचायत का, तो वो स्वाद फिर से शानदार हो विकास का, और चाहे वो घाट की चीज़ें हों या अन्य चीज़ें हों, जो नगर पंचायत को एहसास मन बना के बैठा है कि जल्दी से जो है वो घोषणा हो, जल्दी से हमारे सामने कमल का बटन आए, जल्दी से दबाएं, जल्दी से ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएं, हमसे ज़्यादा नगर की बड़हलगंज की जनता बेचैन बैठी है कि जल्दी से चुनाव हो, हम अपना चेयरमैन चुने। तो बिल्कुल ये तीनों ही नहीं, उत्तर प्रदेश की सभी नगर निकाय, सभी नगर निगम भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता जीतने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही सभासद होने जा रहा है, और वो इसलिए कि जनता के मन में है कि डबल इंजन की सरकार हो गई, ट्रिपल इंजन की बनानी है। धन्यवाद।